इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ी देर बाद दूंगा मैं पुरस्कार आपको, और तब तक मैं पूछ रहा हूं अगला सवाल। बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक राजस्थान में होली का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी को चंग पर पहली थाप पड़ती है और गली गली में फागुन के गीत गाए जाने आरंभ हो जाते हैं। बताएं फागुन के मर्दाना और जनाना गीतों को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? फागुन के मर्दाना गीत जो मर्द गाते हैं तथा जनाना गीत जो महिलाएं गाती है उन्हें क्या कहते हैं? गीत और नृत्य जो गाती है वो फाग होता है, और जो जेंट्स गाते हैं वो होता है धमाल। जेंट्स वाला होता है धमाल और लेडीज वाला होता है फाग। आपको मिला पुरस्कार? मल्हार। मल्हार कोई बात नहीं, मल्हार तो गाई जाती है भला। क्या फाग कौन किसका? लेडीज का। आपने कहा जेंट्स वाला, आप तो पहुंचे वहां, आपने भी लेडीज का कह दिया था, लेडीज का कह दिया था, इसलिए फाग जो कहते हैं फाग गाते हैं पुरुष। अब महिलाएं क्या गाती है, कौन सा नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? देंगी जवाब आप? धमाल। यह प्रश्न जानबूझ करके वापस मैंने इस होली प्रश्नोत्तरी में लिया, पूर्व में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि उस समय भी उत्तर नहीं आया था और ऐसा लगता था कि शायद उत्तर नहीं आएगा। चलिए बोलिए आप। लूर। बजाइए 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 बजाइए। आइए 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 आइए। इधर आए, आपका शुभ नाम? मोना जोशी। मोना जोशी, आपका शुभ नाम? संध्या अग्रवाल। संध्या अग्रवाल, संध्या जी क्या आपने चुनौती को स्वीकारा? जब मैंने चुनौती दी तब आपने हाथ खड़ा किया और सही उत्तर दिया और पहले नहीं, क्या कारण, क्या संकोच था या चुनौती को स्वीकारा? संकोच था। संकोच था। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम का अर्थ यही है, जीवन में संकोच मत कीजिए, ये मत सोचिए कि आप गलत हो जाएंगे। अरे गलत हो जाएंगे लेकिन संभावनाएं प्रबल होती है, सही भी हो जाएंगे, जैसा कि अभी हुआ है। तालियां बजाइए इनके लिए आप। थैंक यू। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, विश्वास कीजिए। मर्दाना गीत को फाग कहते हैं, आदमी गाते हैं और नृत्य करते हैं, और जनाना गीत लूर कहते हैं, स्त्रियां गाती हैं और नृत्य करती हैं, लूर लेती हैं। तालियां जानकारी के लिए बधाई दीजिए। और अब एक होली गीत की प्रस्तुति, गायन, तालियां जोरों से बजाइए आप। आ जाई रे ओ आ जाई मारा परन्या फागुन में, गोरनी उड़ी के उबी आंगन में, आ जाई रे ओ आ जाई परना फागुन में, गोरनी उड़ी के उबी आंगन में, गोरनी उड़ी के उबी आंगन में, रुत आई रे और रुत आई रे पपैयो बोलो फागुन में, होली के दिनों में आवा आंगन में, होली के दिनों में आवा आंगन में, होली के दिनों में आवा आंगन में। बीतो सारो साल में यो घर नहीं आयो,
तालियां जोरों से बजती रहनी चाहिए। आपका शुक्रिया उषा शर्मा जी, बहुत अच्छा गायन आपने, बहुत अच्छी प्रस्तुति। अगला सवाल, पर्व का अर्थ होता है मन को आनंद से भरना, उसके रीतेपन को भरना, और जब पर्व होली का हो तो फागुनी बयारों, रंगों की फुहारों, अबीर के बादलों, लोक नृत्यों, सरस गीतों और चंग की थापों का आनंद कुछ और ही होता है। बताएं, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में रात के समय चौराहों चौपालों पर होली के त्यौहार का रंग जमाने वाली जो टोलियां होती हैं और जो धमाले वो गाते हैं, उनका जो विषय होता है आम तौर पर कौन से विषय होते हैं? प्रमुख दो बताने हैं आपको, दो पुरस्कार मैं दे दूंगा उन धमालों के। आपको ये बताना है कि आम तौर पर विषय क्या होता है उन धमालों का। एक एक बता दीजिए, दो पुरस्कार मिल जाएंगे। प्रेम भाव, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, पुरस्कार मिला आपको। तो नायिका नायक इंतजार। ओके, गींदड़। हाँ बोलिए, आप बोलिए गींदड़। विषय क्या होता है? धमाले जो होती हैं उन धमालों को कौन सी विषय होती है, सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिन पर गायन किया जाता है? आपको मिला इनाम, मिला आपको जी। सर रासलीला जो खेलते, रासलीला, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, भाईचारा, भाईचारा, रास, रास। देखिए अब एक तो जिन्होंने प्रेम भाव ये कहा था वो आप आ जाइए, क्योंकि श्रृंगारिक होती हैं वो बात मूल रूप से आपने कह दी, तो तालियां इनके लिए तो बजाई दीजिए आप। और एक विषय और बता दीजिए प्रमुख। देवर भाभी की छेड़छाड़। देवर भाभी की छेड़छाड़ नहीं, और कोई विषय बताइए। वो बात वो श्रृंगार में आ गया, वो श्रृंगार का भाव हो गया, श्रृंगार में आ गया। बोलिए आप। गालियां देते हैं, गाले भी गाई जाती है, गाल भी होती है, लेकिन वो तो श्रृंगार की बात हो गई। श्रृंगार के अलावा व्यंग्य, सोचिए और क्या हो सकता है, क्या गाते हैं? अच्छा देखिए, अब एक क्लू देता हूं आपको। आम तौर पर कोई भी गायन होता है, कोई भी आरंभ होता है, तो किसके प्रति श्रद्धा का प्रकटीकरण होता है? अब अंदाज से लगाइए और अब बताइए आप भाव। ठहरिए ठहरिए, आपको मिला पुरस्कार, मिला आपको पुरस्कार, भक्ति रस। थोड़ा और परिमार्जित कीजिए इसको, किस प्रकार की होती हैं? अब मैं मोटे रूप से जैसे उनको दिया, फिर भक्ति धार्मिक होती है। आ जाइए, भक्ति धर्म की बात आ जाइए। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। शुभ नाम आपका? मोनिका जैन। मोनिका जैन आइए। शुभ नाम आपका? भावना नंदवाना। भावना नंदवाना। और इतने समय से इंतजार कर रही है चंग पार्टी, जल जायो ये नंदाई पीवर बसबो।
क्या आप जानते हैं कुछ ठंडे सिर्फ ऊपर से हैं ठंडे, लेकिन सरस छाछ और लस्सी करें मन भी ठंडा तन भी ठंडा। कोल्ड ड्रिंक को करें टाटा, छाछ और लस्सी से जोड़े नाता, रोम रोम में ताजगी लाए शुद्ध पौष्टिक ठंडी सरस छाछ और लस्सी। ठंडी ठंडी ताजा ताजा सरस छाछ का है अलग मजा। जीवन में शुद्धता के संग संग घर आंगन द्वार द्वार छाई मन में उमंग। शुद्ध सरस स्वाद सरस हर घर का विश्वास सरस। गुड मॉर्निंग बड़ा मॉर्निंग खेलो खाओ मौज मनाओ इधर उधर लगाते जाओ। सैंडविच पाव भाजी जो भी चाहो सरस बटर से रंग जमाओ। दुनिया की सबसे अच्छी मदर सुबह शाम देती तुम्हें सरस बटर। क्या आप जानते हैं कुछ ठंडे सिर्फ ऊपर से हैं ठंडे, लेकिन सरस छाछ और लस्सी करें मन भी ठंडा तन भी ठंडा। कोल्ड ड्रिंक को करें टाटा, छाछ और लस्सी से जोड़े नाता, रोम रोम में ताजगी लाए शुद्ध पौष्टिक ठंडी सरस छाछ और लस्सी। मेरा अगला सवाल, थोड़ा समय लगेगा आपको व्यवस्थित होने में, रंग पूछे जा रहे हैं, बाल ठीक किए जा रहे हैं, लेकिन अगर गुलाल नहीं उड़े तो फिर होली क्या और होली का मजा क्या। वाह क्या बात है, क्या कहना आपका। अगला सवाल, होली का मूल स्वरूप आपसी प्रेम मस्ती हास परिहास नृत्य और गायन का है तथा उसका यह रूप आरंभ से लेकर आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है, होली की इन्हीं परंपराओं से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। बताएं होली से संबंधित प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम क्या है। होली से संबंधित प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम क्या है, और आपको मैं क्लू दे दूं, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया इसलिए कि उस शैली का अभी जिक्र किया गया था और एक से अधिक बार किया गया था, इधर से ही किया गया शायद, देखिए घूमर। चलिए 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 चंग धमाल। चंग धमाल 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 रास रास। किसने बोला पहले पहले, आइए आप तालियां जोरों से बजाइए। रास नृत्य, मैंने जैसे कहा था कि अभी से बोला गया था रास नृत्य, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्य रूप से रासलीला के प्रमुख पात्र होते हैं राधा कृष्ण और गोपियां, और मणिपुरी और कथक नृत्य भी रास से उत्पन्न शैलियां हैं। तालियां जोरों से बजाइए। आपका शुभ नाम? स्वाति। स्वाति जी, बड़ा मुश्किल था ये निर्णय करना कि आपके जो सहेली है जो आपके आगे, उन्होंने उत्तर दिया या आपने? आपने कहा मैंने, आपको कोई गिला तो नहीं, लेकिन लगभग एक साथ ही था, लगभग एक साथ ही था, तो आप इसको शेयर कर सकती हैं। तालियां बजाइए जोरों से आपके लिए, और इन तालियों को लगातार बजाते रहिए। हमें आभार प्रदर्शित करना है जयपुर डेयरी का, जिनके सौजन्य से ये पुरस्कार हमें ये प्राप्त हो रहे हैं गिफ्ट हैम्पर्स। होली प्रकृति का श्रृंगार और मौसम की मस्ती का त्योहार, आप ब्यूटी कल्चर में पारंगत है क्योंकि ये विषय आपके यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो परखते हैं रंगों के बारे में आपका सौंदर्य बोध। आप में से हम 10 लोगों का चयन करेंगे, आपको यहाँ पर आना होगा, आपको एक एक तस्तरी दी जाएगी जिसमें चार चार रंग की गुलाल होगी, और आपको एक मिनट का समय मिलेगा, जब कहेंगे आरंभ तब आप अपना मेकअप करें बिना दर्पण देखे, और फिर उनमें 3 पुरस्कार देंगे जिसका चयन करेंगे आप। आपको मेकअप करना है, दर्पण आपके पास नहीं है, ये सारे दर्पण आपके सामने हैं। आपका समय आरंभ होता है अब। सिर्फ 10 सेकेंड्स बाकी हैं, 10 सेकेंड्स।
एंड दैट्स ऑल। अब आप हाथ नीचे। अब आप, ये कन्वीनियंट ये रहेगा कि आप एक एक को बुलवा लें। खैर, आपको कहा ओके प्लीज, ओके थैंक यू। आप अपने स्थान पर प्लीज। नाउ नेक्स्ट, एक और, आप लीजिए पुरस्कार। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। अब आपको क्या गुलाल लगाए, आपने तो स्वयं ही गुलाल लगा ली। आपका शुभ नाम? मीनाक्षी कालरा। तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए। अंजू अग्रवाल। कल्पना चौधरी। तालियां जोरों से बजाइए तीनों के लिए यार। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि दर्पण में देखते देखते समय बहुत ज्यादा लगता है और मेकअप उतना बढ़िया नहीं होता। आपने करिश्मा कर दिखाया बिना दर्पण के, इतना सुंदर मेकअप। और इसकी बानगी ये देखिए कि जो आपके निर्णायक हैं, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, जो ब्यूटी कल्चर पढ़ाते हैं, जानते हैं, ज्ञाता हैं, उनको भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी कि 10 में से 3 को छांटे कैसे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आइए हम रिजॉल्व करते हैं कि इस होली के अवसर के बाद दर्पण को कहेंगे अलविदा और मेकअप वैसा ही करेंगे। तालियां जोरों से बजाइए आप। एक सरल सा सवाल, रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा संख्या 122 तथा उसके अंतर्गत चौपाई संख्या 1 के अनुसार हिरण्यकश्यपु का भगवान नरसिंह द्वारा वध होने के पश्चात एक बड़े बलवान और महावीर राक्षस के रूप में पुनर्जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु का पुनर्जन्म हुआ एक महाप्रतापी राक्षस के रूप में। बताएं उस सुप्रसिद्ध राक्षस का नाम जिसके कल्याण के लिए प्रभु ने फिर अवतार लिया। हिरण्यकश्यपु कौन सा पुनर्जन्म हुआ? आ रहा हूं। रावण तो उन्होंने कह दिया। जो कह दिया तो फिर आप कह रहे हैं कि कह दिया, इसका मतलब यू आर मच कॉन्फिडेंट, देयरफॉर आप आइए बजाइए तालियां जोरों से आपके लिए। शुभ नाम आपका? प्रिया माहेश्वरी। और अब होलिया में उड़े रे गुलाल।
श्वेता जी के लिए तालियां जितनी बजाएं उतनी कम है, जोरों से बजाइए तालियां श्वेता माथुर के लिए। आइए आप श्वेता जी, बहुत बहुत बधाई, इतना सुंदर प्रस्तुति, आपको तालियां एक बार फिर बजाएं श्वेता जी के लिए। आप होली या होलिकोत्सव प्रतिवर्ष फागुनी पूर्णिमा को सारे देश में धूमधाम से और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बताएं प्राचीन संस्कृत वाङ्मय यानी साहित्य में इसका उल्लेख किस उत्सव के रूप में किया जाता है? प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में यानी साहित्य में होली या होलिकोत्सव का जिक्र या उल्लेख किस उत्सव के रूप में किया जाता है? आपने किया था पहले, आपको पुरस्कार तो नहीं मिला ना? मिल गया, अच्छा ठहरिए। फाग उत्सव, पुरस्कार मिला आपको? रंगोत्सव, फाग उत्सव। थोड़ा सा और डिबेट होइए, आप जानते हैं बसंतोत्सव। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। आइए तालियां जोरों से बजाइए आपके। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बसंत महोत्सव, काम महोत्सव, मदनोत्सव और सू वसंतक, ये इसके नाम है और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। आपका शुभ नाम? शारदा पांडे। शारदा जी, आम तौर पर उत्तर सही नहीं आ रहा था और आपने बिल्कुल सही दिया। क्या विशेष जानकारी है साहित्य के बारे में, और वो भी अर्वाचीन प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है? वाह वाह वाह, ऐसा नाम लिया मैं तो उच्चारित भी नहीं कर सकता। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास रचितम। तालियां जोरों से बजाई तम आपके लिए। ये संस्कृत की मान के लिए, उसके मान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है अपनी संस्कृति, अपनी जो संस्कृत भाषा है, हम उस भाषा को परिमार्जित करें, सीखें, जानें, पढ़ें। कुछ कहना चाहती हैं आप, सुनिए ध्यान लगाकर। सर, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए चाहें तो पुरस्कार दूसरे को दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन स्टूडेंट होना नहीं है, क्वालिफिकेशन है कि सही उत्तर देना। और कजिन सिस्टर के साथ आई हैं, यहाँ पर भी एक NRI बालिका आई है अमेरिका से। उसके नाना ने कहा कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है, उसने कहा मैं क्या जाऊँ, उसने कहा इंडियन कल्चर को देखना है, होली का कार्यक्रम हो रहा है, वो बालिका यहाँ पर आई है। बधाई आपको, और आपने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, अन्यथा ये हो सकता है कि ये पुरस्कार नहीं जाता तो हमें ठेस पहुँचती, क्या हमारी संस्कृति के बारे में हम विस्मित कर गए हैं सभी चीज़ों को। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियाँ जोरों से बजाइए एक बार आपके लिए। अब मैं त्रिशा को आमंत्रित कर रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये अमेरिका से आई हुई है, जयपुर में आई थी। आपको बताया गया आपके नाना द्वारा कि यहाँ पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, उसमें ज़रूर जाओ, ये काफ़ी उत्सुक थी, आइए। और बताया गया कि ये बांसुरी भी बजाती है, और इन्होंने दो दिन पहले ही एक गाना सीखना आरम्भ किया है। आइए त्रिशा, तालियाँ जोरों से बजाइए इनके लिए। और इनके छोटे भैया भी आए हुए हैं, इनको भी साथ बुला लेता हूँ। आ जाइए आप भी साथ में।
Excellent, excellent. Tisha, come over here. Excellent. सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज में दो फिल्मों के होली गीत गाए हैं जो स्वयं उन्हीं पर फिल्माए गए हैं। उनमें से एक है फिल्म बागबान का गीत होली खेले रघुवीरा अवध में, वो आपकी जुबान पर है, बताएं दूसरे गीत के बोल। और दूसरे गीत के जो पहले प्रश्न को पूरा सुन लें। ये प्रश्न में थोड़ा सा पेच है कि पहले जब आप बोल बताएंगे तब तो आप एलिजिबल होंगे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जो कि मूल प्रश्न है। मूल प्रश्न यह है, इस गीत की अमिताभ से जुड़ी विशिष्टता क्या है? विशिष्टता क्या है? तो पहले तो बताइए गीत के बोल, जिससे भी मैं पूछूंगा। आपको पूछा है? हाँ बोलिए। रंग भर से भीगी चुनरिया, ठीक है। अब विशिष्ट बात अमिताभ के लिए क्या है इस गाने के फिल्माने में? सिर्फ भांग पी के गीत। भांग पी करके सर, उनकी खुद की पत्नी के साथ ये गाना है। चलिए पत्नी का तो ठीक है। अब और कोई विशिष्ट आपको मिला है पुरस्कार? सर, रंग भर से भीगे चुनर वाली सही सॉन्ग है। हाँ। और सर वो एक्चुअली उनकी ने ना वहाँ की लैंग्वेज में ही ये सॉन्ग में गाया हुआ है उन्होंने, खुद की लैंग्वेज में जो ओके। आ रहा हूँ बोल। उनके पिता को लिखा हुआ गीत था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन उनके पिता का लिखा हुआ है। और आपने जो बोला वो पूर्वी बोली में और भाषा में, और उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जब ये गीत लिखा गया था तो जो LPs आई थी उस पर हरिवंश राय जी का नाम था। फिर क्रिटिसिज्म हुआ कि इतने जो महान हस्ती है साहित्य के क्षेत्र में, उन्होंने इतना हल्का गीत लिखा तो उस पर से उनका नाम हटा दिया गया। लेकिन गीत कई बार जब कालजयी हो जाते हैं तो महानता से भी ऊपर उठ जाते हैं, और फिर उनका नाम जोड़ा गया। और आज आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उनके पिता ने, ये पुरस्कार आपको मिलना चाहिए। और आपने कहा पत्नी वो भी थी साथ में, ये भी उत्तर है। दोनों बातें बतानी थी। आइए आप भी तालियां जोरों से बजाइए दोनों के लिए। आप शुभ नाम आपका? विजेता बंसल। थैंक यू। आपका शुभ नाम? बीना जी। तालियां दोनों के लिए जोरों से बजाइए आप। अरे रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से खाए गोरी का याद बना पर से रंग भर से रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से का
अरे लौंगा इलाची का भाई। लौंगा इलाची का? हाँ, अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। लौंगा इलाची का, लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। अरे चब गोरी का यार बलम तरसे रंग भर से रंग भर से भीगे जुनर वाली रंग भर से भीगे जुनर वाली रंग भर से। आप लोगों का ये उल्लास देखते हुए और जिस प्रकार से आपने होली को जिस प्रकार से सेलिब्रेट किया है, हम अपेक्षा करते हैं जिस उत्साह से, जिस उमंग से आपने एक दूसरे के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, जीवन में आपके लिए अनेकों रंग बिखेरे और हमारे दर्शक भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके भी जीवन में अनेकों अनेक प्रकार के रंग बिखरे। अब मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप लोग व्यवस्थित हो गए हैं? क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं? इसके बारे में मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी जानते होंगे और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। होली का त्यौहार, लेकिन इस अवसर पर कई सिरफिरे ऐसे होते हैं जो रंगों के इस उत्सव पर स्कूल, कॉलेजों, कार्यालयों आदि सार्वजनिक स्थानों पर चित्रों, लेखों, आकृतियों के माध्यम से श्रद्धा की पात्र नारी का अपमानजनक चित्रण करते हैं। सिनेमा पोस्टरों आदि में भी कई बार नारी का अशोभनीय विज्ञापन किया जाता है। एक विशेष कानून बनाया गया है इसको रोकने के लिए, आपको बताना है उस कानून का नाम क्या है। हाँ प्लीज, ट्राई किया विमेंस एक्ट और ये वर्ड उसमें है, ये उसमें है। और अगर उत्तर नहीं आया तो मैं आपको पुरस्कार दूंगा क्योंकि आपने चेष्टा की है, प्रयास किया है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेंस एक्ट 1984, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नारी का अपमानजनक चित्रण। हे नारी श्रद्धा की पात्र, आजा तू ले ले पुरस्कार, आजा, तालियां बजाइए जोरों से इनके लिए। नाम आपका? अंजू अग्रवाल। अंजू अग्रवाल जी के लिए तालियां बजाइए जोरों से आपके लिए। रंग मत डारे रे सांवरिया समूह नृत्य, तालियां जोरों से बजाइए आप। सावरिया
क्या आप जानते हैं कुछ ठंडे सिर्फ ऊपर से है ठंडे, लेकिन सरस छाछ और लस्सी करें मन भी ठंडा तन भी ठंडा। कोल्ड ड्रिंक को करें टाटा, छाछ और लस्सी से जोड़े नाता, रोम रोम में ताजगी लाए शुद्ध पौष्टिक ठंडी सरस छाछ और लस्सी। ठंडी ठंडी ताजा ताजा सरस छाछ का है अलग मजा। शुद्धता के संग संग घर आंगन द्वार द्वार छाई मन में उमंग। शुद्ध सरस स्वाद सरस घर घर का विश्वास सरस। गुड मॉर्निंग बड़ा मॉर्निंग हेलो खाओ मौज मनाओ इधर उधर लगाते जाओ। सैंडविच पाव भाजी जो भी चाहो सरस बटर से रंग जमाओ। दुनिया की सबसे अच्छी मदर सुबह शाम देती तुम्हें सरस बटर। क्या आप जानते हैं कुछ ठंडे सिर्फ ऊपर से है ठंडे, लेकिन सरस छाछ और लस्सी करें मन भी ठंडा तन भी ठंडा। कोल्ड ड्रिंक को करें टाटा, छाछ और लस्सी से जोड़े नाता, रोम रोम में ताजगी लाए शुद्ध पौष्टिक ठंडी सरस छाछ और लस्सी। देखिए ये तीन गाने होंगे। जैसा कि आपको मालूम है हमने तय ये किया था कि हम दो दो के तीन पेयर छाटेंगे ड्रॉप लॉट से, लेकिन आपकी जो बेहद एक बार बार आप कह रहे थे कि नहीं ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाए, उस बात को मानते हुए हमने तीन तीन लोगों को सेलेक्ट किया। कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है तो आरंभ हो रहा है। पहला लोकगीत होली पर आधारित और पहली टीम आप आगे बढ़ें। ओके, आपका शुभ नाम? सुशीला। सुशीला जी को बहुत बहुत बधाई। और आपका शुभ नाम? शिल्पी जी। कई बार क्या होता है कंपटीशन कड़ा हो जाता है, आपने बहुत बढ़िया डांस किया। और आपका शुभ नाम? राहत। बहुत बहुत बधाई राहत जी को भी और शिल्पी जी को भी। और अब बारी है दूसरी जोड़ी की, तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप चंगर और दमीड़ों में। तो आइए पधारिए तीनों आप और घोषित कीजिए निर्णय। शुभ नाम आपका? कविता भारती। कविता भारती जी, थैंक यू। हाँ प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके थैंक यू। आपका शुभ नाम? ईशा मोदी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? युक्ति मलिक जी को तालियां बजाइए तीनों के लिए आप जोरदार। और अब बारी है
अंतिम जोड़ी की फागण आयो फागणो रचा दे रसिया फागण आयो फागणो रंगा दे रसिया थोड़ी खेलू नीतिया फागण आयो फागण आयो फागणो रंगा दे रसिया थोड़ी खेलू नीतिया फागण आयो फागण आयो फागणो रंगा दे रसिया थोड़ी खेलू नीतिया तो आइए इधर आप आइए तो आपका शुभ नाम ऋतु जी ऋतु जी आपका कृपा आपका सुनना ऋतु सिंह तालियां बजाइए तीनों के लिए देखिए टेक्सटाइल डिजाइन कॉस्ट्यूम डिजाइन ड्रेस मेकिंग ये सब सब ब्यूटी कल्चर ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी महारत हासिल है तो आपके प्राचार्य महोदया तो चली गई है मैं अदिति जी को बुलाता हूँ यहाँ पर अदिति जी यहाँ आए आप अदिति जी आप ये बताएं कि जो रंगों का संबंध प्रकृति से है रंगों का संबंध होली से है रंगों का संबंध विभिन्न भारतीय संस्कृति के जो त्यौहार हैं उनसे है तो आप ये बताएं कि जो चीज़ें आप पढ़ाते हैं ड्रेस मेकिंग की बात हो ब्यूटी कल्चर की बात हो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की बात हो इन सभी में रंगों का संयोजन आप कैसे करते हैं और विभिन्न त्यौहारों के लिए कैसे कैसे रंगों के कपड़े वगैरह करते हैं रंगों की छटा बिखेर दीजिए ताकि पता चले कि जो सरकारी विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कम नहीं और भी आगे है तालियां जोरों से बजाएं इनके लिए आप हर मौसम के रंग वैसे अलग अलग होते हैं जैसे सर्दियों में ज़्यादातर ब्राइट कलर्स और गर्मियों में कंपैरेटिवली थोड़े से लाइट कलर्स या पेस्टल कलर्स पहने जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में सावन में लहरिया पहना जाता है होली के वक्त फागुन में फाग होता है सफ़ेद और लाल रंग का वो पहना जाता है और इसी तरह से दूसरे मौसम आए जहाँ पर हरा और पीले रंग की बहुत महत्ता होती है बसंत में बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अब आज का ये कार्यक्रम इतनी बड़े उत्साह से और उमंग से आपने भाग लिया और मैं ये निसंकोच कहना चाहूँगा कि 200 से अधिक एपिसोड्स प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के हुए हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीवाइज क्विज शो ऑफ द कंट्री इसका नाम दर्ज हुआ है लेकिन इतना ही उत्साह और इतनी उमंग आज तक इस स्टूडियो में हमने तो नहीं देखी और आपने मैं दूरदर्शन की तरफ से आप सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं